हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डेयरी फ्री मिल्क की रेसिपी, जो है कैश्यू मिल्क। इसे बनाना बहुत आसान है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 15 काजू यानी कैश्यू, और इसे हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देना है। 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छी तरीके से भीग जाते हैं, और उसके बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसे डालेंगे चटनी जार में। क्योंकि काजू की क्वांटिटी कम है, तो इसलिए मैं चटनी जार का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे चलते हैं अभी ब्लेंड करने के लिए। इसे हमें 30-40 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड करना होगा। तो मिक्सी को ऑन करते हैं। अब इसे खोल के देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन गया इसका। इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे हम, और फिर से इसे हम 10 से 15 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और जो ढक्कन में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, इसे भी हम डाल देते हैं जार में। अब इसे ब्लेंड करते हैं। और ये तैयार है, लेकिन अभी थोड़ी सी गाढ़ी है ये, तो इसमें हमें पानी थोड़ा सा और डालना होगा। तो जो टोटल पानी हम डालेंगे वो है 1 कप, यानी कि जो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और जो मैं अभी डाल रही हूँ, टोटल हमें 1 कप पानी यूज़ करना है 15 काजू के लिए। इसे अच्छी तरीके से मिला लें। आप चाहे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं अगर आपको पतला चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक ग्लास जार में। और आपने देखा कि इसे बनाना बहुत आसान है। इसे चाहे तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कर्ड बना सकते हैं, स्मूदीज़ में, शेक्स में यूज़ कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।